ये लोग आप भी कमेंट में बताना, इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है हमें, इज्जत मिलनी चाहिए, पैसे भले ही कम मिले, इज्जत अगर नहीं मिलेगी तो पैसे आप अपने पास रखो। बिग बॉस के अंदर रहो तो अलग मिस्ट्री चलती है, और बिग बॉस के बाहर जाओ तो वीडियो को देख कर आओ और उसके बाद एक अलग कंट्रोवर्सी तैयार कर लो, और कंट्रोवर्सी तैयार करने के बाद आपको कुछ ना कुछ नेम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, कुछ निगेटिव में मिलेगा, कुछ पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन लोग जरूर आपको जानना चाहेंगे और आपको सर्च भी करेंगे। ऐसा काम किया है पायल मलिक जी ने। अब पायल मलिक ने ये काम क्यों किया है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, और पायल मलिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि शिवानी कुमारी को टारगेट क्यों किया जाता है और विशाल को क्यों थप्पड़ लगा, ये सारे डिस्कशन करेंगे, और इसने क्या कहा उसने क्या कहा, यही सारी चीजें होती है। अब बिग बॉस में आप 16 लोग 15 लोग 10 लोग रहते हो, सारे लोग एक साथ बैठकर तो बातें नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई कहीं बैठ के बातें करेगा, कोई कहीं बैठकर बातें करेगा। अब ये बातें आप बाहर से हम और आप देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर वाले तो नहीं देख पा रहे हैं जब तक उन्हें बाहर से कोई आके नहीं बताएगा। अब पायल मलिक आई बिग बॉस में, आपने देखा ही होगा वो एपिसोड, पायल मलिक आती हैं और आते ही विशाल पांडे जी पर टूट पड़ती हैं, कहती हैं विशाल आपने क्या बात बोली थी, मैं बोलूं या आप बोलो, अगर आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगी तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, और आपने अरमान जी के गोलू के ऊपर, मैडम जी के ऊपर आपने कमेंट किया है कि वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और ये बात आपने कान में बताई और गिल्टी फील किया। गिल्टी क्यों फील किया अगर आपका मतलब इंटेंशन सही था तो? आप मुझे बताइए, कभी कभी क्या होता है, कोई लड़का होता है जो थोड़ा साय किस्म का होता है और उसे लगता है कि हो सकता है अगर मैं कैमरे पर बोल लूँ, बाई चांस कैमरे पर बोल लूँ और वो सबके सामने अगर आ जाता है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए या फिर लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उसने कान में बोल दी बात। अब इस पर अरमान मलिक बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए भाई साहब, और जाते ही एक रपाटा लगा दिया विशाल को। अब आप मुझे ये बताओ, देखिए वायलेंस कभी भी सही नहीं हो सकता, वायलेंस कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि किसी के बीबी पर कमेंट कोई करेगा तो वायलेंस कोई भी कर देगा, लेकिन आप ये मुझे बताइए जब सामने वाला बार बार ये बोल रहा है कि भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं था नहीं था नहीं था, और उसकी प्रोफाइल पर भी जाकर देखो उसके चेहरे पर भी नहीं लगता यार वो लड़का ठीक है, अरमान मलिक ने गलत किया है, इस बात को आप माने या ना माने, मैं तो मान रहा हूं थप्पड़ मारना गलत है। बिग बॉस को तो अरमान मलिक को उसी टाइम निकाल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला मुझे नहीं पता, बिग बॉस का क्या रूल है क्या रेगुलेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन बिग बॉस को निकाल देना चाहिए, ऐसा रूल होता है, आप किसी को थप्पड़ थोड़ी ना मार सकते हैं। आप बातों से आइए, लड़िए, गाली दीजिए, बहस करिए, अगर उस लड़की को बोला है तो कभी आप अपने वीडियो में कमेंट भी जाकर देख लो, और कमेंट देखने के बाद अरमान मलिक कमेंट अपनी वीडियो में देख लिया करो, और देखने के बाद फिर जाकर देखो सबको एक जिस जो जो कमेंट करता है सबको जाकर बोलो, कोई अच्छा लगता है किसी को कॉम्प्लीमेंट किया गया तो उसमें बुराई नहीं है, और इस बात को तूल बना लिया गया कि भाई बस उसने कान में बोल दिया था। एक बार बिग बॉस के अंदर ही ऐसे हमारे शुक्ला साहब ने, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, शुक्ला जी ने कहा था तेरी जैसी लड़की, उस पर भी सलमान खान आ गए थे, लेकिन वहां पर हाथापाई नहीं हुई थी, और हाथापाई हुई थी चाय वाय फेंक दिया गया था ऊपर, लेकिन इतनी ज्यादा हाथापाई नहीं हुई थी, वो तो बहुत बिग शो चला था, सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहा हूं मैं, राइट। लेकिन यहां पर तो अरमान मलिक अपनी दोनों धर्म पत्नियों को लेकर आए, ठीक है अच्छी बात है, आप आए बिग बॉस के अंदर, आपने एंट्री करी, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, दोनों लोग अपना कंट्रोवर्सी अपनी अपनी बातें बता रहे हो कि हम ऐसे थे हम ऐसे थे हम ऐसे थे, और उसके बाद ऐसा हो गया, आप बोल रहे हो कि मेरी बीबी के ऊपर नजर रखता है, आप बोल रहे हो हमारे घर की दीवारें बहुत मजबूत है, आपके घर की दीवारें मजबूत है, लेकिन आप मजबूत हो क्या, आपको कोई और लड़की दिखेगी क्या क्या गारंटी देते हो कि और शादी नहीं कर लोगे, बाई चांस आपका माइंड चेंज हो जाए, एक से करी थी दूसरे से उसके दोस्त से ही कर ली, बात हुई एक हफ्ते में 10 दिन में शादी करके ही डायरेक्ट आए घर पर, बताए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एज ए यूट्यूबर, आप एज ए पब्लिक फिगर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि दो शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर सकते हो तो दो क्या तीन कर लो, भाई एक शादी इसलिए होती है क्योंकि एक पर फोकस कर पाओ, ये चीज पायल ने भी बोला है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है आप लोग मत करना, राइट। अब बात करते हैं, हमने ये बात की जो विशाल के ऊपर हाथ नहीं उठाना, अगर विशाल ने बोला है उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन हाथ किसी के ऊपर कभी नहीं उठाना चाहिए, विशाल ने गलत किया है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए, पब्लिक के सामने सॉरी बोले, कैमरे के सामने आके सॉरी बोल दे, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये अरमान ने यहां पर गलत किया, जो कि उन्होंने अपना पॉइंट माइनस किया, राइट। लोग अरमान के वीडियो पर और लोग सोशल मीडिया पर भरे हुए हैं जो सिर्फ अरमान मलिक को और उनकी वाइफ को ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, राइट। विशाल को सारे लोग यही कह रहे हैं विशाल इज राइट, विशाल सही है, विशाल सही है।
तो यहां पर अपना पॉइंट अरमान ने खुद कमजोर किया है। अब बात करते हैं शिवानी कुमारी की। पायल ने दूसरा एक इल्जाम लगाया कि शिवानी कुमारी आपने बोला कि हमने आपको अपने घर पर इनवाइट किया था शादी में और आपने आपको हमने खाना नहीं दिया। तो शिवानी ने बोला ऐसा नहीं है, जो खाना नहीं दिया वो बात नहीं है, बात ये बोला था कि उनको बोला कि खाना डाल दे। अब खाना डाल दे का मतलब ये होता है कि यार कोई जानवर है, डॉगी है, किसी को खाना डाल दे, अपने पेट को बोलते खाना डाल दे इसको। यार ऐसे किसी इंसान को कोई कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकता। शिवानी को बुरा लगा, ऑब्वियसली बात है सबको बुरा लगेगा। शिवानी ने यह भी बोला था कि भैया जो उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे उनको तो बड़ा आवभगत किया जा रहा था, हम जैसे लोगों को बस खाना डाल दे ऐसे बोला गया। अब पायल मलिक तो ये लेकर आई थी कि मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दूंगी और थोड़ा अपने तरफ आकर्षित करूंगी लोग, अपने जो ऑडियंस है, बट ऑडियंस उनकी तरफ नहीं आई, उल्टा पड़ गया पायल मलिक के ऊपर। बीच में अरमान मलिक टोका टिप्पणी करने लग गए कि इसे बोलने की तमीज नहीं है, हमें सिखा रही है। एक बात बता दूं मेरे भाई अरमान, आप बड़े यूट्यूबर होंगे नो डाउट, लेकिन जो गांव का पर्सन होता है ना, जो गांव से जुड़ा हुआ लोग होता है, उसे इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ये लोग आप भी कमेंट में बताना, इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है हमें। इज्जत मिलनी चाहिए, पैसे भले ही कम मिले, इज्जत अगर नहीं मिलेगी तो पैसे आप अपने पास रखो, राइट। शिवानी कुमारी ने भी वही किया। मैं आपको एक बात यहां पर प्रिडिक्ट करके बता देता हूं कि शिवानी कुमारी फाइनलिस्ट है, शिवानी कुमारी फाइनलिस्ट में जाने के पूरे पूरे चांस है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देख रहा हूं शिवानी कुमारी से सौर्य साहब लड़ते हैं, राइट। शिवानी कुमारी से जब भी कोई भी पंगा लेने के लिए आ जाता है, लेकिन शिवानी इतनी स्ट्रांग लड़की है, इतनी मजबूत लड़की है, क्योंकि परिस्थितियों से लड़कर आगे गई है वो ऐसे मतलब उसको कोई चीज़ मिल नहीं गया है अचानक, सब कुछ बना बनाया नहीं मिला है, सब कुछ उसने रास्ता अपना बनाया धीरे धीरे करके, तो उसे पता है सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसीलिए पायल मलिक को उसने बता दिया कि आपने ये बोला था, और पायल मलिक ने लास्ट में बोला हाँ बोला तो था लेकिन हमारा ऐसा ही था, हम अपने मेड से कैसे बोलते। यार कोई मेड हो, घर का हो, कोई भी हो, घर का बाहर का इंसान ही है ना, उससे तो प्यार से ही तमीज से बात करेंगे ना, या किसी ऐसे ही आके मुंह उठा के बात कर लेंगे, ऐसे तो बात नहीं करता कोई। मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं कि पायल जी आप अपना कंटेंट क्रिएट करिए यूट्यूब पर, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद जो आपकी इमेज थी वो इमेज कहीं ना कहीं डाउन हुई है, डाउन बढ़ी नहीं है इमेज आपकी, और डाउन हो गई है, निगेटिव वे में इमेज आई है। व्यूज भले ही ज्यादा आ रहे हो लेकिन निगेटिव वे में व्यूज आएंगे आप, तो इसलिए आप तीनों लोगों को एक अच्छे तरीके से वीडियो बनानी चाहिए जब वो दो लोग बाहर आए, क्योंकि आएंगे कुछ दिन में, हो सकता है इसी वीक में आ जाए अरमान भाई। तो अब वो सारे लोग वीडियो बनाओ अच्छे तरीके से, बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालो आप लोग। आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, गाने डाल रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, अच्छे अर्निंग कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन किस बिग बॉस के अंदर जाना मेरे हिसाब से वो आपका गलत डिसीजन हो गया। लोग आपको जान तो गए लेकिन आपको निगेटिव वे में ले जा रहे हैं। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया पर जब ट्रेंड चलता है तो उसमें गलत वे में ही जाता है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जब आप लोग बताओगे तभी मैं आगे डिस्कस कर पाऊंगा इस मुद्दे पर, और बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। आपको किस टॉपिक पर बात करना है बताना, उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों से, और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे, अच्छे तरीके से कंटेंट बनाएंगे, और अच्छे तरीके से आप लोगों की हेल्प भी करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है आपको शिवानी का वीडियो बिग बॉस के अंदर, और आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।